देखो, हम लोगों ने शायद इस बार डिस्कस किया है, हमारा मेन मोटो क्या है कि तुम्हें नीट 2020 के लिए प्रिपेयर करना है ना। आप लोग जो भी हैं, आप सभी को मेन टारगेट क्या है, बोर्ड देना है। हम बोर्ड को 100% फॉलो कर रहे हैं, बोर्ड हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारा टारगेट क्या है, 2022 का नीट का भी प्रिपरेशन करना है। एक मिनट, मैं आप लोगों को म्यूट पे डालता हूँ, तो डिस्टर्बेंस सभी को होगा। ध्यान सुन, तो हमारा मेन दोनों काम है ना, बोर्ड प्लस नीट दोनों करना है। देखिए, सबसे पहली बात कि अब क्या हो रहा है कि नीट के पेपर काफी आसान हो गए और 100% एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। अगर आप 2021 का पेपर देखिएगा तो 90 नहीं, 100 क्वेश्चन आए बायो में, मालूम है ना। 100 क्वेश्चन अब कर दिए गए, 100 आउट ऑफ 100 जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे एनसीईआरटी से आए। एक एक वर्ड मैच किया है। नहीं तो आपके पास पेपर, आप देख लीजिए, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए या मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए 100%। पिछले साल 2020 में 90 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था। 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल जो भी कोरोना के चलते, शायद पेपर इजी ही रहेगा, कट ऑफ बढ़ेंगे। यानी कि हमारा एक पहले से फिक्स्ड है कि बायो में आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, पूरी तरह से एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। पहला चीज, हमें एक्स्ट्रा कोई बुक फॉलो नहीं करना है, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, खास करके बायो में। आपको सेकेंड चीज क्या करना है, थ्योरी पे अच्छे से पकड़ बनानी। हम थ्योरी अच्छे से कर लेंगे ना, तो हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, आप एमसीक्यू बनाएंगे लेकिन कम बनाएंगे। कहाँ कहाँ से बनाएंगे बता रहा हूं। सबसे पहली बात, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए, लेकिन 2010 के बाद के बनाइए। आप ये चीज ध्यान दीजिए, आप लोग क्या गलती करते हो, आप रैंडम क्वेश्चन बना लेते हैं, 1919 का बना रहे, 2005 का बना रहे, 8 का बना रहे। एक चीज आप करिए, 2010 के बाद का ही क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि 2010 से पहले जो पेपर होते थे वो डिफिकल्ट होते थे, कट ऑफ ज्यादा जाता था, ठीक है, थोड़ा हाई फाई, अलग अलग नोट्स पढ़ने पड़ते थे। इसमें हो सकता है कि 2010 से पहले के आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको नहीं बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए 2010 के बाद का ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और सेकेंड चीज, हम लोग सारे मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, बजाबता आपको गूगल ड्राइव बनाया जा रहा है, आपके लिए गूगल ड्राइव बन भी गया है। इस पे टीचर के सारे नोट्स होंगे, जो भी बुक हम प्रिफर करेंगे वो सारा चीज अवेलेबल होगा, पूरा प्रॉपर ढंग से जो भी लेक्चर हो रहा है प्रॉपर ढंग से रिकॉर्डेड हो रहे, उसका नेमिंग हो रहा है लेक्चर, ठीक है, यूट्यूब पे जाएंगे मिल जाएगा आपको, गूगल ड्राइव पे हर नोट्स आपको अवेलेबल होगा। सेकेंड चीज, हमने जो भी 1 महीने पहले थोड़ी बोड़ी पढ़ाई की बोर्ड लेवल की, इस बार हमने पूरा स्ट्रेटजी चेंज कर दी। स्ट्रेटजी क्या है कि हम लोग पूरी तरह से पहले 11th को फॉलो करेंगे। क्यों, पहले समझिए। सर, 12th अभी नहीं पढ़ेंगे? नहीं, अभी हम लोग 11th को पूरा करेंगे कवर, लिविंग वर्ल्ड से लेकर के लिविंग वर्ल्ड करेंगे। सेकेंड कौन सा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी पूरा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग सेल वाला, सेल डिवीजन करेंगे और प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे। यानी हमारा मेन पूरा टारगेट है बॉटनी के साइड से पूरा 11th के टॉपिक को कवर करना। हो सकता है इसमें आपको 2 मंथ्स लग जाए, 2 मंथ लग जाए, पूरा जैन पूरा फेब लग जाएगा, ठीक है। अभी एक हफ्ता बचा है, तो हमारे पास लगभग 60-70 डेज जो है ना, वो 11th को फॉलो करना है। उसके बाद में जैसे ही आपका आ जाएगा कौन, मार्च अप्रैल का टाइम, बोर्ड का टाइम, उस टाइम हम 12th पढ़ेंगे। तो फायदा क्या हो गया, 12th हमने पढ़ा तो आपका पूरा बोर्ड हो गया, 100% बोर्ड कवर भी हो गया, साथ साथ नीट का भी प्रिपरेशन हो गया। तो अभी थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फोकस माइंड से पढ़ना है। अभी आपको 11th हम लोग करने वाले हैं नीट को लेकर, ठीक है। आप 12th पढ़िए, स्कूल में 12th पढ़िए, डाउट है डाउट अलग से पूछ लीजिए, आप टीचर को मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर है वहां मैसेज कर दीजिए, ग्रुप है वहां मैसेज कर दीजिए, सर वॉइस में बता दीजिए इस चीज में प्रॉब्लम है, ठीक
ठीक है ना। तो अभी आप स्कूल से ट्वेल्थ का कीजिए, लेकिन यहां हम लोग अभी इलेवेंथ पे ही फोकस करेंगे, और दो महीने के बाद जब मार्च का टाइम आएगा तो हम पूरी तरह से ट्वेल्थ फॉलो करेंगे, यानी तुम्हारा पूरा बोर्ड कवर करा दे, तो आपका बोर्ड भी हो जाएगा और पूरा नीट भी आपका 100% कवर हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। पहले आप डुअल माइंड मत बनिए, आप डुअल माइंड होंगे ना तो गड़बड़ होगा, सर क्या करना है, बोर्ड करना है कि नीट करना है, ये बड़ा सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अभी के टाइम में ना मुझे भी ऐसा ही लगता था, हर बच्चे को ये लगता है सर अभी क्या करना है, बोर्ड करना है, तो बोर्ड का डेट आने दीजिए। सबसे बड़ा चीज है ना कि बोर्ड का डेट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम मार्च में होगा, क्या एग्जाम अप्रैल में होगा? अगर एग्जाम अप्रैल में होता है तो हमारा स्ट्रेटजी अलग होगा, एग्जाम मार्च में होता है हमारा स्ट्रेटजी अलग होगा, तो हम थोड़ा दिन वेट करें और बोर्ड का डेट सीट आने दें। मान लेते अप्रैल में आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप क्या करो, पूरा जैन फेब इलेवेंथ को जाओ, स्कूल से ट्वेल्थ पढ़ते जाइए, पूरा मार्च, और जब से पूरा मार्च और अप्रैल का टाइम लगभग जो 1.5 मंथ का मिलेगा वो पूरा बोर्ड को दे देना, पूरा बोर्ड को 100% दे देना, तो हमारा बोर्ड भी हो गया और नीट भी हो गया। तो हम ऐसे ही करेंगे, यानी अगले 2 महीने हम इलेवेंथ पढ़ने वाले। ट्वेल्थ में मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप डिस्कस कर लीजिएगा, सर बायोटेक समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास सारे बायोटेक के प्रॉपर लेक्चर है, मॉलिकुलर बेसिस पूरा प्रॉपर लेक्चर है, आपने थोड़ा बहुत देखा भी होगा, सर हमें इकोलॉजी में प्रॉब्लम है, पूरा पूरा लेक्चर प्रॉपर ढंग से बनाओ, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, ट्वेल्थ का कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी आप फोकस कीजिए क्लास इलेवेंथ के टॉपिक, क्योंकि आपने इलेवेंथ अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए तो दिक्कत होती है, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं नीट में वो इलेवेंथ से होते हैं, क्योंकि इलेवेंथ में 22 चैप्टर आपको मालूम है ना, ठीक है, इलेवेंथ में कितने चैप्टर होते हैं, तो इलेवेंथ में होते हैं 22, और ट्वेल्थ में कितने होते हैं 16, तो ट्वेल्थ थोड़ा आसान है, ट्वेल्थ थोड़ा आसान भी होता है, और इलेवेंथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इलेवेंथ डिफिकल्ट है क्योंकि 22 चैप्टर है, तो हमें उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। आगे बात समझ में, सबको क्लियर है, यस नो मैसेज करो, वॉइस आ रहा है सबको, क्लियर है आवाज मेरी, क्लियर आ रही है, फटाफट मैसेज करो, क्लियर है ना सभी को, ठीक है, हाँ चलो ठीक। तो हम लोग जो आपके फर्स्ट बैच था, तो वहां हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही रात का टाइम में तुम बोर हो जाओ, तो हम थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, ठीक है, और हम केवल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे देखो थोड़ा क्या क्या पढ़ने वाले। सभी बच्चों को यहाँ पास हम 4 सेशन करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग 4 क्लास में करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेन आपका फोकस होगा फंगस के लाइफ साइकिल को समझना, ये डिफिकल्ट था ना आपके लिए, जब आप क्लास 11th पढ़ते थे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, सर लाइफ साइकिल समझ में नहीं आया, फ्रूटिंग बॉडीज क्या थे, सर इंडोजिनस क्या था, सर एग्जोजिनस, सर उसका रिप्रोडक्शन में बहुत दिक्कत है। तो हम स्पेशल 2 सेशन करेंगे फंगस को लेकर, कोई टेंशन नहीं। सर वायरस में भी दिक्कत होता है सर, क्या क्या नाम दिया है सर साइंटिस्ट का, बिजरनिक नाम है सर, इवान वोस का ही नाम है, स्टेनले है, ठीक है, टीओ डाइनर है, प्रायोन्स वायरवाइड्स, क्या क्या है सर, वो थोड़ा दिक्कत होता है, मैडकॉ डिजीज, ऐसे कुछ नाम दिया है सर एनसीईआरटी में। तो हम वायरस को पूरा 1 सेशन में अच्छे से कवर करने वाले, तो हम प्रॉपर, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे नीट में, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना हम यहां पर पढ़ने वाले मोनेरा किंगडम, और जाहिर सी बात है मोनेरा किंगडम हर चैप्टर में आएगा ना, बैक्टीरिया तो हर चैप्टर में आएंगे, चैप्टर नंबर 8 वहां बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से पढ़ना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से पढ़ना है, हर चैप्टर जाओगे तो वापस नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया के बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में ना, ढेर सारी बातें होंगी।
तो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और डिटेल से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले याद रखना है इस चैप्टर में टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। एनसीईआरटी में कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बस जान लीजिए आपका साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। आपने नाम सुना है ना, कैरोलस लीनियस। इन्हीं साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। आपने कुछ वर्ड पढ़ा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस ने ही तो दिया था। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन पे सबसे ज्यादा काम कैरोलस लीनियस ने किया। चलिए तो इन्होंने दो किंगडम बनाए थे, एक था प्लांटी एक था एनिमेलिया, ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया क्योंकि टू किंगडम में कुछ गड़बड़ी थी, ड्रॉबैक्स थे। सर किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम नहीं याद रखना, ठीक है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अर्नस्ट हेकल। आपके नॉलेज के लिए केवल बता देता हूं, कभी कभी ये मैचिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्नस्ट हेकल, उन्होंने एक नया किंगडम तैयार किया प्रोटिस्टा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, जो प्रोटिस्टा किंगडम है किन्होंने बनाया, आंसर इज द अर्नस्ट हेकल ने। दो किंगडम ऑलरेडी थे, ड्रॉबैक थे, खराबियां थी, नया किंगडम सुधारा गया, प्रोटिस्टा बना दिया। इसमें भी कुछ गड़बड़ी हुई तो आए फोर के सिस्टम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट का नाम कोपलैंड। क्या सर याद रखना है, नहीं, बस जान लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। इन्होंने नया किंगडम तैयार किया मोनेरा, नया किंगडम तैयार किया मोनेरा, याद रखना है, ठीक है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब आपके एनसीईआरटी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में जो पढ़ना है वो फाइव के सिस्टम है। आपके एनसीईआरटी यानी हमारा सिलेबस जो है, टेक्स्ट बुक जो है जिसे फॉलो करना है नीट के लिए, वो फाइव के सिस्टम पे बहुत जोर देती है। सबको मालूम है फाइव के सिस्टम, चलिए आरएच विटेकर साहब ने, फाइव के सिस्टम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर साहब ने दिया। डेट याद रखना है सर, क्या ईयर नीट के एग्जाम में आते, बहुत सारे बच्चे को लगता है सर साइंटिस्ट याद रखने है, क्या डेट याद रखना है। तो मैं क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी में कोई अगर ईयर मेंशन है तो 100% क्वेश्चन बन सकते, क्योंकि एग्जाम में अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप एनसीईआरटी में जो भी साइंटिस्ट के नाम है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में अर्नस्ट हेकल नहीं है, मत याद कीजिए, कोपलैंड नहीं है, मत याद कीजिए, आर एच विटेकर है, याद कीजिए, आर एच विटेकर है, याद करना पड़ेगा। डेट एनसीईआरटी में याद करना पड़ेगा, आगे बात। तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि आप फाइव के सिस्टम को डिटेल से पढ़ी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल से करी। इससे पहले एनसीईआरटी ने थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, उसे मैं थोड़ा सा टच कर देता हूं। जैसे ही आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कीजिएगा तो साइंटिस्ट एरिस्टोटल का नाम लिखेंगे, एरिस्टोटल जिसे आप फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी नहीं है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी है, नाम है एरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहली बार साइंटिफिक अटेम्प्ट किया, यानी कि पहले के जो क्लासिफिकेशन थे वो सिंपल होते थे, वो सिंपल होते थे कि आप खाने में यूज कर रहे हो प्लांट को, अलग कैटेगरी में कर दीजिए, उससे हम कपड़े बना रहे हैं, उसको से हम घर बना रहे हैं, उसको अलग अलग क्लासिफाई कर दीजिए। तो जो एनसीईआरटी का पहला लाइन स्टार्टिंग होगा, अर्लियर क्लासिफिकेशन वॉज नॉट साइंटिफिक, जो पहले के क्लासिफिकेशन थे यानी आज से हजारों साल पहले, प्लांट अलग अलग तरह के लोगों ने क्लासिफाई किए थे लेकिन यूज के बेसिस पे, हम जिसका यूज करेंगे खाने में अलग पार्ट में, उसको हमने क्या किया घर बनाने में यूज किया अलग पार्ट में, उसे कुछ यूज कर रहे, ठीक है, कपड़े बनाने में या कुछ बनाने में, ठीक है, औजार बनाने में, तो हम उसे अलग पार्ट में रखेंगे। लेकिन पहली बार साइंटिफिक अटेम्प्ट किया था एरिस्टोटल ने। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट जो पैराग्राफ एरिस्टोटल साहब के बारे में दिया है, तो मैं दो मिनट आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने पहली बार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिंपल है, आप ऐसे ही करते, एक का नाम दिया प्लांट, ठीक है, और एक का नाम दिया एनिमल।
ठीक है, एरिस्टोटल ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन उनका क्राइटेरिया साइंटिफिक था, याद रखिएगा साइंटिफिक क्राइटेरिया था, ठीक है, इससे पहले किसी ने साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज नहीं किए थे। और प्लांट को उन्होंने बोला कि भाई आपका हाइट कैसा है, दिखने में कैसे हो, छोटे हो तो हर्ब कहेंगे, छोटे हैं तो हर्ब कहेंगे, अगर थोड़े बड़े साइज के हैं तो श्रब कहेंगे, बड़े साइज के हैं तो श्रब कहेंगे, और बड़े हार्ड वुड वाले हैं, लकड़ी बनाने वाले बड़े प्लांट है तो ट्रीज कहेंगे। यानी आप समझिए, छोटे प्लांट हर, मीडियम साइज वाले श्रब, और बड़े हार्ड वुड हैं तो ट्रीज कहेंगे। सिंपल। एनिमल्स को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि आप में आरबीसी है क्या, अगर आपके ब्लड में आरबीसी है या आपके ब्लड में आरबीसी नहीं है। सिंपल, अगर आपके ब्लड में आरबीसी है तो उसे कहेंगे ईनेमा, ईनेमा। आ गई बात समझ में? अगर आप में आरबीसी नहीं है ब्लड में तो एनेमा, ए का मतलब नॉट होता है, एनेमा और ईनेमा, ये दो वर्ड एनसीईआरटी में दिया है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। आगे बात समझ में? ये सबसे पहली बार आपके एनसीईआरटी से मैंने ये लिया है, फर्स्ट पैराग्राफ से, एनसीईआरटी पैराग्राफ नंबर 1 यहां से ये लिए गए, ठीक है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी बार बार आपको बोलेगी कि आप ऐसा कीजिए, ठीक है, कि आप मेनली जो फोकस करना है, आपको फोकस किस पे करना है, आपको करना है आरएच विटेकर के 5 किंगडम पे, आरएच के विटेकर के 5 किंगडम पे आप बातें कीजिए, ठीक है। तो आरएच विटेकर ने वो काम करके दिखाया जो पिछले 200-250 सालों से साइंटिस्ट नहीं कर पाए थे, 200-250 सालों से साइंटिस्ट नहीं कर पाए थे, वो विटेकर ने करके दिखाया। मैं थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा, थोड़ी देर में ही प्रूफ कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, क्राइटेरिया क्या लिया? अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपके कुछ तो क्राइटेरिया होंगे। एनसीईआरटी ने बोला मेन क्राइटेरिया 5 थे, ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मेन क्राइटेरिया बोल रहा हूं, यानी उन्होंने 5 से ज्यादा भी लिए थे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेन क्राइटेरिया 5 ही थे, ठीक है, जिसमें से पहला था उनका नेचर ऑफ सेल, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अगर सिंपल से मैं बात करूं तो सेल की बनावट कैसे थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल की बनावट कैसी थी। आपको मालूम है इस अर्थ पे दो ही तरह के सेल होते, सबको मालूम है, क्लास 7, 8, 9, 10 में यही सिखाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल यानी कि आप में ट्रू न्यूक्लियस है या फॉल्स न्यूक्लियस है, यानी आप प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, सिंपल सा, न्यूक्लियस ट्रू है या न्यूक्लियस फॉल्स है, ठीक है। तो ये जो देखिए 5 किंगडम है, एक का नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उन्होंने सिंपल बोला जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक है उन्हें मोनेरा किंगडम में रख दिया। तो दुनिया में जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वाले ग्रुप उन्हें मोनेरा किंगडम में, बाकी सारे के सारे जो 4 किंगडम है उनके अंदर में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। यानी कि प्रोटिस्टा कैसा है, यूकैरियोटिक, फंजाई कैसा है, यूकैरियोटिक, प्लांटी कैसा है, यूकैरियोटिक, एनिमेलिया कैसा है, यूकैरियोटिक। इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेंगे, ये बताइए 5 किंगडम में किसमें ट्रू न्यूक्लियस है और किसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो आपका सिंपल सा आंसर होता है कि जो मोनेरा है उनके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगे, और जो भी यूकैरियोटिक है उनके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस होंगे, उनके अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। ये तो सबको मालूम है। तो पहला क्राइटेरिया सेल की बनावट, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, यानी वो सिंपल है प्रोकैरियोटिक है या वो कॉम्प्लेक्स है यानी यूकैरियोटिक। चलिए दूसरा क्राइटेरिया उनका था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो दूसरा क्राइटेरिया बोला जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी तो इसी को कहेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेम चीज है, थैलस या बॉडी। अगर आप क्वेश्चन बना रहे तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो,
या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का मतलब बॉडी ही होता है, तो ये आपको वर्ड मिलेगा। बोले सर इसका मतलब क्या है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी की बनावट। देखिए यहां लिख दिया मोनेरा, यहां लिख दिया प्रोटिस्टा, यहां लिखा फंजाई, यहां लिखा प्लांटी, यहां लिखा एनिमेलिया। बहुत सिंपल है, इन पांच किंगडम में जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है, यू फॉर यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा है वो भी यूनिसेलुलर है, तो सर दोनों तो सेम हो गए? नहीं, मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर है बट प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, अमीबा आएंगे, पैरामीशियम आएगा, यूग्लिना आएंगे, स्लाइम मोल्ड्स आएगा, यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोटिक है। तो नीट का क्वेश्चन क्या बनेगा, किस किंगडम में यूनिसेलुलर विथ यूकैरियोट्स रखे गए, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर के साथ प्रोकैरियोटिक रखा गया तो मोनेरा। गड़बड़ नहीं कीजिएगा, बाकी जो तीन किंगडम है फंजाई प्लांटी एनिमेलिया वो मल्टीसेलुलर, वो मल्टीसेलुलर है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। फिर से मैं क्लियर कर दूं, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया, मोनेरा प्रोकैरियोटिक तो है लेकिन प्रोकैरियोटिक में कैसे, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, दोनों में एक चीज कॉमन है दोनों यूनिसेलुलर है, लेकिन एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक। फंजाई, फंजाई मल्टीसेलुलर है, फंजाई मल्टी, प्लांटी मल्टीसेलुलर, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर, लेकिन फंगस के अंदर में सेल आपस में जुड़ गए लेकिन टिश्यू नहीं बना। ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी का वर्ड है, फंगस में सेल का अरेंजमेंट हुआ लेकिन लूज अरेंजमेंट है, ट्रू टिश्यू नहीं है ना, यहां पास नेटवर्क ऑफ सेल बने लेकिन ट्रू टिश्यू नहीं बना, फॉल्स टिश्यू है, जिसे एनसीईआरटी माइसीलियम के नाम से जाना है। एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो एक वर्ड यूज करेगा माइसीलियम, यानी कि लूज नेटवर्क ऑफ सेल, ठीक है, लूज नेटवर्क ऑफ सेल है, ट्रू टिश्यू नहीं है, पैरेन्काइमा कॉलेन्काइमा नहीं बने, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू नहीं बने यहां, यस टिश्यू बनने की कोशिश हो रही है बन नहीं पाए, फॉल्स बने, झूठे बने, जिसे नाम दिया माइसीलियम। प्लांटी, प्लांटी के अंदर में टिश्यू बनेगा, प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर है, टिश्यू बनेंगे और टिश्यू के साथ साथ यहां ऑर्गन भी देखने को मिलेगा, ऑर्गन भी देखने को मिल सकता है प्लांट किंगडम में। जैसे कि आपने एंजियोस्पर्म देखा, रूट है ना, स्टेम है ना, लीफ है, फ्रूट है, ये ऑर्गन ही तो है, रूट एक ऑर्गन है, स्टेम ऑर्गन है, लीफ ऑर्गन है, यानी कि प्लांट किंगडम में टिश्यू वाले भी होंगे और ऑर्गन लेवल के भी आपको दिख जाए, ऑर्गन सिस्टम नहीं दिखेगा। क्या कभी प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम देखा? नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा? नहीं। नर्वस सिस्टम? नहीं। मस्कुलर सिस्टम? नहीं, केवल ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। तो कितने लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा है प्लांट किंगडम में? टिश्यू लेवल भी है और ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। एनिमल किंगडम पूरा डिटेल में पढ़ना है, कुछ एनिमल किंगडम में आपको केवल टिश्यू लेवल दिखेंगे, जैसे आप प्लैटी एनिमल्स वगैरह पढ़ते हैं, सिलेंट्रेट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां आप पढ़िएगा पोरीफेरा वगैरह पढ़ेंगे, आप डिटेल से पढ़िएगा, तो वहां आपको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, लेकिन कुछ एनिमल में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी दिखेंगे और कुछ के अंदर में ऑर्गन सिस्टम लेवल भी दिख जाएंगे। जैसे हमारे अंदर, में जो हम एडवांस्ड है वर्टिब्रेट्स बोलते हैं अपने आप को, तो हमारे अंदर में ऑर्गन सिस्टम लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो चुका है, नर्वस सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी भी है, रेस्पिरेटरी भी है। तो जब आप एनिमल किंगडम पढ़िएगा तो आपके टीचर बताएंगे कि यहां कुछ मेंबर में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ के अंदर में ऑर्गन लेवल है और कुछ के अंदर ऑर्गन सिस्टम भी है। तो मैं पूछूं एनिमल किंगडम में ऑर्गेनाइजेशन, तो बोलिएगा सर अलग अलग दिख सकते हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक देखा गया, प्लांट के अंदर में ऑर्गन लेवल तक, ऑर्गन सिस्टम नहीं बने, फंजाई ये तो टिश्यू ही नहीं बना पाए, फॉल्स टिश्यू बने, झूठे टिश्यू बने, नेटवर्क ऑफ सेल ही बन पाया, कोई ट्रू टिश्यू नहीं बने, और मोनेरा प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर ही।
क्या दोनों क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल समझ में आ गई, सेल की बनावट कैसी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी समझ में आ गया, बॉडी की बनावट कैसी है। इस किंगडम में लाखों लोग हैं तो उनमें बॉडी कितने दूर तक बन पाए, ये दूसरा क्राइटेरिया। चलिए फटाफट हैंड रेज कीजिए या आप मैसेज कीजिए, यस नो समझ में आ गया, यस नो सभी को क्लियर है? ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्राइटेरिया नंबर थर्ड की तरफ पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब हम क्राइटेरिया नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं। विटेकर ने थर्ड क्राइटेरिया क्या लिखा, जो मेन क्राइटेरिया, अगर पूछा जाएगा ना पांचों में मेन क्राइटेरिया कौन सा, सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, आप लिख करके आइएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप लिख करके आइएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एमंग पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो आप लिख करके आइएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खान पान, कैसे खाना पसंद करते, लाइफ है तो उसके लिए खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान से सुनिए, दुनिया में दो ही तरह के, क्या खुद से खाना बनाते हो, ऑटोट्रॉफिक, खुद से खाना समझ लीजिए, खुद से खाना यानी ग्लूकोज C6H12O6 क्या आप खुद से बनाते हो, तो हो गया ऑटोट्रॉफिक। कैसे बनाओगे, ये CO2 है, CO2 से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ग्लूकोज में, खुद से कर रहे हो ऑटोट्रॉफिक। अगर ये आपके औकात में नहीं है, नहीं कर पा रहे, आप ग्लूकोज CO2 से नहीं बना सकते, बना बनाया हुआ ले रहे, हमने रोटी खाया बना बनाया हुआ था, चावल खाया बना बनाया हुआ था ना, तो हम ग्लूकोज बना तो नहीं सकते, हम बना बनाया हुआ बाहर से लेते, हम खाने का प्रोसेसिंग करते। आपकी मम्मी ग्लूकोज नहीं बनाती, आपकी मम्मी चावल लाती है प्रोसेसिंग करती है बिरयानी बनाती है, मम्मी वीट लाती है प्रोसेसिंग करती है रोटी बनाती है, वो प्रोसेसिंग है। क्या मम्मी ने ग्लूकोज बनाया, नहीं, मम्मी ने तो खाने के प्रोसेसिंग की, तो ये कंफ्यूज नहीं होने है। तो यानी कि एक हो गया कौन सा, बोलो हेटरोट्रॉफिक, यानी बना बनाया हुआ ग्लूकोज हम लेंगे तो किसी से मांगेंगे ना, ग्लूकोज तो हम बना नहीं सकते, हम तो मांगेंगे ना किससे मांगेंगे, जो खाना बना रहा है यानी प्लांट से मांगेंगे, हम तो खाना बना नहीं सकते। चलिए, तो आपके पास में मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अगर ऑटोट्रॉफिक है, ध्यान से सुनिए, ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से ग्लूकोज बनाना, किसके हेल्प से, CO2 के हेल्प से, और ये CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए एनर्जी, ये एनर्जी अगर आपने सन से यूज किया, कहां से यूज किया, सन के एनर्जी से बनाया, सन के एनर्जी से आपने CO2 से ग्लूकोज बना लिया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहिएगा, प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिज्म का नाम फोटो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि सन के एनर्जी को यूज करके CO2 से ग्लूकोज बना लिया। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सन की एनर्जी यूज नहीं करते, सन की एनर्जी यूज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, ये CO2 है उससे ग्लूकोज तो बना लेंगे लेकिन सन की एनर्जी यूज नहीं करेंगे। बोले सर फिर मतलब कहां से करेंगे, और है कौन ये कुछ मोनेरा किंगडम के मेंबर है, सारे मेंबर नहीं, मोनेरा किंगडम के कुछ मेंबर में ये ताकत है, वो मिट्टी में दबे, देखिए ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया बैठा है, देखिए ये बैक्टीरिया है, क्या सन पहुंचेगा वहां, नहीं, फिर भी वो अपना खाना तैयार करते। सर कैसे, मिट्टी के अंदर में मान लीजिए कुछ केमिकल है, जैसे अमोनिया NH4+ है, अमोनियम आयन है, मिट्टी के अंदर में कुछ केमिकल है अमोनियम आयन, इसी का एग्जाम्पल दिया जाता है बार बार इसलिए बता रहा हूं, अमोनियम आयन में वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन ऐड करेगा, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, पढ़ते हो ना, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और वो बन जाएंगे NO2-, वो बन गया भाई नाइट्राइट, क्या बन गया नाइट्राइट। इस ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी निकलेगा, इस ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी निकला, इसी एनर्जी से वो बैक्टीरिया CO2 को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में,
तो यहां सोर्स कौन है? ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल किया, इससे एनर्जी निकले, इससे आपने ग्लूकोज बनाया। तो ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ब्लैक पॉइंट से एक वर्ड आएगा कीमो ऑटोट्रॉफ, केमिकल के हेल्प से बनाया। सर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं क्या? तो मैं बता रहा हूं फिर से, कौन करेगा? ओनली फ्यू मेंबर, देखो मैं लिखा हूं फ्यू, सभी मेंबर नहीं बोल रहा, फ्यू मेंबर ऑफ मोनेरा। मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया आते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा करते हैं, सर वो बैक्टीरिया का नाम बता दोगे? हाँ बता दूंगा, मिनरल नोटेशन में। अब पढ़िएगा अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अब पढ़िएगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रेट्स बना रहा है। देख लीजिए ये NH4+ है, इसने क्या बनाया? नाइट्रेट बनाया। तो जो नाइट्रेट बना रहा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल भी है हमें याद करने, लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन में वहां आएगा, वहां पर आपके कुछ नाम पढ़ने के लिए आएंगे, हम वहां पर आपको बात करेंगे, वहां पर हम कुछ आपको नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोबैक्टर का एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है, नाइट्रोकोकस का एग्जाम्पल बताएंगे। ये अमोनियम आयन को तोड़ते ऑक्सीडाइज करेंगे, एनर्जी निकाल के खाना बना लेंगे। तो फ्यू मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। एग्जाम्पल फिर से बोल दूं, हमें मिनरल नोटेशन में पढ़ना है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ब्लैक पॉइंट में मिनरल नोटेशन में आएगा। आप लोगों ने कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर, ये तीन बैक्टर एनसीईआरटी में जो अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन करते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, और उसी एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते हैं। एनसीईआरटी ने ब्लैक पॉइंट में मेंशन किया है, बाकी सारे बैक्टीरिया नहीं, मैंने तीन बैक्टीरिया नाम बोला, आप याद रखिएगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें सभी को समझ में आ गई? यस या नो में लिखिए। क्या आपको कीमो ऑटोट्रॉफ सबको समझ में आ गया? यस नो में लिखिए, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन में मैं नाम लिख देता हूं, टेंशन नहीं है, नाम लिख देता हूं, टेंशन नहीं है। नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर, ये मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ना है, वहां ब्लैक पॉइंट से एनसीईआरटी में आएगा। नीट का क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, उसके हेल्प से बनाएंगे। सर और कोई किंगडम में है क्या? प्रोटिस्टा में नहीं, फंजाई में नहीं, प्लांटी नहीं, एनिमेलियन नहीं, ये केवल कुछ मोनेरा किंगडम के मेंबर में ही देखे गए हैं, और ये कहीं नहीं पाया जाएगा, ये याद रखिए। चलिए सर फोटोऑटोट्रॉफ कहां का हम लोग बातें करेंगे। बैक्टीरिया कर सकता है, प्रोटिस्टा भी कर सकते हैं, प्लांटी भी करेगा। चलिए अब हम लोग बात करें, ठीक है सर, हेटरोट्रॉफ कैसे हो? हेटरोट्रॉफ तो खुद से खाना नहीं बनाता सर ना, ये तो बना बनाया हुआ ग्लूकोज यूज करता है। तो सर कैसे होंगे? ये दो तरीके के, ध्यान से सुनना, हेटरोट्रॉफ दो तरीके के हैं, एक है होलोजोइक, एक है होलोजोइक, और एक है एब्जॉर्प्टिव, एक है एब्जॉर्प्टिव। सर है तो, लेकिन ये समझ में नहीं आता सर, एब्जॉर्प्टिव क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है, हमने रट्टा मार लेते, हम याद कर लेते हम होलोजोइक है, फंगस एब्जॉर्प्टिव है, सेप्रोफिटिक है, समझ में नहीं आता सर। हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ले तो थोड़ा मजा आ जाएगा, चीजें समझ में आ जाएगी, समझते। चलिए तो मैंने आपको क्या बोला, हेटरोट्रॉफिक दो तरह के, हेटरोट्रॉफिक दो तरह के। देखिए ध्यान से सुनना, चीजों को समझने की कोशिश करना, पहले का नाम होलोजोइक, चलिए, और दूसरे का नाम एब्जॉर्प्टिव। और अच्छे से समझिएगा आप लोग, कि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बाद में आप रिकॉल कर लीजिएगा, लेकिन बेटर समझ लीजिए। देखिए यहां पर मैंने एक एप्पल रख दिया, सेब रख दिया, यहां मैंने एक एप्पल रख दिया, सेब रख दिया, ठीक। सबसे पहले एब्जॉर्प्टिव समझिए, देखिए यहां फंगस आ गए, यहां कौन आया? फंगस। फंगस सेब को खा नहीं सकता, उसके दांत नहीं है, खा नहीं सकता डायरेक्टली। फंगस कैसे खाएगा समझिए, फंगस क्या करेगा, अपने बॉडी से एंजाइम निकालेगा,
फंगस अपने बॉडी से एंजाइम निकाला और सेब के अंदर में, एप्पल के अंदर में जो कॉम्प्लेक्स फूड थे, जो कॉम्प्लेक्स फूड थे वो सिंपल फॉर्म में टूट गए। यानी कि फंगस ने पहले निकाला एंजाइम और कॉम्प्लेक्स जो फूड था, स्टार्च थे, ठीक है, वो सिंपल फूड ग्लूकोज में टूट गए। कॉम्प्लेक्स फूड किस में टूट गया बोलो? सिंपल फूड में। मान लीजिए स्टार्च था, कॉम्प्लेक्स थे, उसे सिंपल ग्लूकोज में तोड़ दिया, अब वो अपने बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी वो पहले खाने को पचाएगा, P4 पचाना, पहले एंजाइम निकाला, एंजाइम की उल्टी मार दी, एंजाइम निकाल दिया बाहर, खाना पच गया, बॉडी से बाहर पच गया क्योंकि एंजाइम बाहर निकल गए। खाना पचने के बाद सिंपल फॉर्म में टूटा, उस पचे हुए खाने को वो क्या करेगा? इंटेक कर लेगा, इंटेक कर लेगा। यानी पहले आप डाइजेशन कीजिए, पहले आप डाइजेशन कीजिए, पचाइए, फिर खाने को इंटेक कर लीजिए, बॉडी में एब्जॉर्ब कर लीजिए। पच गया खाना, बॉडी में एब्जॉर्ब कर लीजिए, इसलिए नाम पड़ा एब्जॉर्प्टिव। आगे बात समझ में? ये कौन करेगा? ये फंगस करेगा, फंजाई करेगा। आगे बात समझ में? हम कैसे करते हैं? हम गए, आप गए, क्या पहले एंजाइम बाहर निकालते हो? सेब देखते हो तो क्या एंजाइम पहले बाहर निकालते हो? नहीं सर, हम तो सर हायर लोग हैं, हम पहले इस फूड को खा जाएंगे, पहले हम कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक कर लेंगे। यानी हम सेब को खा गए, उसके अंदर स्टार्च था ना सर, हम खा गए, पहले हमने इंटेक कर लिया, खा गए, उसके बाद में हमारे अंदर में एंजाइम है, यानी बॉडी के अंदर में डाइजेशन करेंगे। यानी उनका उल्टा हो रहा है, हमारे अंदर में पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले खाएंगे, K4 खाना, पहले रोटी खाएंगे, फिर वो हमारे अंदर में पेट में जाएगा, वहां एंजाइम है, वहां पचेगा, पहले खाइए फिर पचाइए। ये हो गया होलोजोइक। हम ऐसे ही तो करते हैं, हम रोटी खाते हैं, क्या पहले एंजाइम निकाल देते हैं? नहीं, खाया फिर पचाया, होलोजोइक। फंगस ब्रेड पे बैठ गया, आपके घर में ब्रेड था ना, फंगस आके बैठ गया, ये देखिए फंगस है, फंगस है। पहले उसने क्या किया? एंजाइम निकाला, खाने को तोड़ा, फिर वो इंटेक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो नाम पड़ा एब्जॉर्प्टिव। हमने पहले हमने ब्रेड को खाया फिर पचाया, तो हो नाम पड़ा होलोजोइक। अब मेरे में से किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं, तो एब्जॉर्प्टिव में पहले पचाना है फिर खाना है, होलोजोइक में पहले खाना है फिर पचाना है, जैसे हम करते हैं। अभी डिनर करके बैठे हो, क्या तुम डिनर पे बैठोगे पहले एंजाइम की उल्टी मारोगे क्या? पहले निकाल दे एंजाइम, फिर डाइजेस्ट कर ले, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हो जाएंगे वो एब्जॉर्ब। हम ऐसा करते हैं? नहीं सर, पहले खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं। अमीबा भी तो ऐसे ही करता है ना, पढ़ा था 10th में, अमीबा है और ये कॉम्प्लेक्स फूड है, याद करो, सीडोपोडिया बने और सीडोपोडिया जाएगा, पहले इस खाने को इंटेक कर लेगा, फिर अंदर में एंजाइम की हेल्प से तोड़ेगा, फिर वो पचा लेगा, तो हो गया ना होलोजोइक। अमीबा भी हमारे भांति ही पहले कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली इंजेस्ट करता है फिर पचा लेगा, यानी अमीबा भी होलोजोइक, पैरामीशियम भी होलोजोइक। आगे बात समझ में? तो सर एब्जॉर्प्टिव भी दो तरीके के, ध्यान से सुनिए, एब्जॉर्प्टिव भी दो तरीके के, ध्यान से सुनिएगा, पहले पचाना है फिर खाना है। तो अगर ऐसा काम वो लिविंग से कर रहा है, ऐसा वो काम लिविंग से कर रहा है, कोई प्लांट पे गया, कोई प्लांट पे फंगस आया, उस पे एंजाइम निकाला, डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, लिविंग से ऐसा करता है तो नाम देंगे पैरासिटिक। अगर लिविंग से ये काम करता है तो नाम देंगे पैरासिटिक। लेकिन अगर वो कोई डेड से कर रहा है, चूहा मर गया आपने फेंक दिया, चूहा मर गया आपने फेंक दिया बाहर, फंगस आया, फंगस आया, फंगस क्या करेगा बोलो? एंजाइम का उल्टी मारा, पच गया खाना, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर डेड से ऐसा काम करते हो, सड़े गले पे ऐसा काम करते हो, तो नाम हुआ सैप्रोफिटिक।
क्या नाम होगा? सेप्रोफिटिक। आ गई बात समझ में? क्लियर है आपको? मैंने दो तरीके के बताए, चूहा के ऊपर में फंगस आया, चूहा जिंदा, पहले खाने को पचाया फिर इंटेक कर लिया पैरासिटिक। अगर चूहा मर गया और मरे हुए पे ऐसा काम कर रहा है तो नाम हो गया सेप्रोफिटिक, यानी एब्जॉर्प्टिव, दो तरीके के हो गए। क्या ये 100% सभी को समझ में आ गया? एक बार रिकॉल कर देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खान पान, दुनिया में दो ही तरीके, दुनिया में जिसको भी जिंदा रहना है फूड चाहिए, तो फूड खुद से बनाइएगा, ग्लूकोज खुद से बना रहे CO2 के हेल्प से तो ऑटोट्रॉफ। नहीं सर, हम तो बना बनाया वो ग्लूकोज मार्केट से खरीद के लाते, चावल दाल गेहूं हम तो मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो सर हम नहीं, हम तो केवल खाने का प्रोसेसिंग कर रहे, हम नहीं बना सकते सर, हम हो गए हेटरोट्रॉफ। आगे बात समझ में? अब ऑटोट्रॉफ में क्या करना है? CO2 से क्या बनाना है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज। इसी को हाईफाई लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, CO2 इनऑर्गेनिक है और ग्लूकोज ऑर्गेनिक है, यानी इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया। CO2 इनऑर्गेनिक, ग्लूकोज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का फिक्सेशन हो गया ऑर्गेनिक फॉर्म में, यही हो गया। ठीक है, तो सर ये इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए बच्चा एनर्जी। अगर ये एनर्जी सन के एनर्जी से किया गया तो प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिज का नाम फोटो ऑटोट्रॉफ, ऑर्गेनिज का नाम फोटो ऑटोट्रॉफ। लेकिन ये काम केमिकल से किया गया, जब आपने केमिकल का ऑक्सीडेशन किया उससे एनर्जी निकले और उस केमिकल के एनर्जी से आपने ये काम किया तो आपका नाम कीमो ऑटोट्रॉफ, आपका नाम कीमो ऑटोट्रॉफ। सर एग्जांपल ऑलरेडी बता रखा है, फ्यू मेंबर ऑफ मोनेरा, मोनेरा के सारे मेंबर नहीं, फ्यू मेंबर, जैसे नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसा करते। चलिए सर हेटरोट्रॉफ क्या बताया था? ग्लूकोज बना नहीं सकते, बाहर से लेना है, तो पहले पचाइए फिर खाइए। ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्टिव, पहले पचाया फिर खाया तो क्या हो गया बोलो? एब्जॉर्प्टिव। और दूसरा, पहले खाइए फिर पचाइए तो ये हो गया होलोजोइक, ये हो गया होलोजोइक। अब एब्जॉर्प्टिव में भी दो तरीके, लिविंग से किया तो पैरासिटिक, लिविंग से किया तो पैरासिटिक। नहीं सर मैं तो डेड से किया हूं, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक। आ गई? होलोजोइक में भी ऐसा दो हो सकते हैं, हो सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट पैरासिटिक होते हैं, आपके अंदर राउंड वर्म है, कोई आपके अंदर में इंसेक्ट्स है, प्लांट पे इंसेक्ट्स आ गए, वो भी तो ऐसे ही कहते कॉम्प्लेक्स फूड को खा लेते लिविंग से, तो वहां पर भी हो जाएगा क्या पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक यहां भी बनेंगे। लेकिन हम लोग मेनली पैरासिटिक सेप्रोफिटिक वर्ड एब्जॉर्प्टिव के लिए यूज करेंगे। सर एग्जांपल बता दो सबके। हाँ, जितने भी एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम पूरी तरह से कैसा है बोलिए? होलोजोइक। फंगस किंगडम, फंगस किंगडम, किंगडम फंजाई एब्जॉर्प्टिव है। मोनेरा किंगडम, क्या उसके दांत है वो खा सकता है तुम्हारा सेब? क्या बैक्टीरिया तुम्हारा सेब खा लेगा? नहीं सर, बैक्टीरिया आएगा पहले एंजाइम का उल्टी मारेगा फिर खाएगा, यानी सर मोनेरा किंगडम के मेंबर भी, मोनेरा किंगडम के मेंबर भी। ठीक है सर, कीमोटोट्रॉफ फ्यू मेंबर ऑफ मोनेरा, फ्यू मेंबर ऑफ मोनेरा। और सर फोटोटोट्रॉफ नहीं बताया आपने, तो थोड़ी देर में मैं प्रूफ कर दूंगा, पूरा प्लांटी किंगडम फोटोटोट्रॉफ, प्रोटेस्टा किंगडम अगर फोटोसिंस करेगा तो, प्रोटेस्टा किंगडम में हर तरह के लोग हैं, कुछ फोटोसिंस करते हैं कुछ नहीं करते, अगर फोटोसिंस करेगा तो वो भी कैसा करेगा? फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, मोनेरा किंगडम के भी कुछ मेंबर ऐसा कर सकते, इसलिए मैं अगले क्लास में इस चीज को प्रूफ करूंगा।
कि सबसे मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है, किस किंगडम में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी खान पान की, तो मैं प्रूव करूंगा प्रोटिस्टा में, ये नीट में पेपर में आ चुका है, सबसे ज्यादा डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करेगा, ये मैं अगले क्लास में प्रूव करूंगा प्रोटिस्टा किंगडम में, मोस्ट डाइवर्स, सबसे मोस्ट डाइवर्स आएगा तो प्रोटिस्टा। सर क्यों, क्या प्रोटिस्टा सब कुछ करता है क्या, मैं प्रूव कर दूंगा। सेकेंड मोस्ट आया, सेकेंड मोस्ट आया तो आप करिएगा मोनेरा, पहला तो मोने प्रोटिस्टा है, दूसरा कौन है, मोनेरा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मोनेरा मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म करता है। मैंने न्यूट्रिशन बोला, मैंने न्यूट्रिशन बोला, खाने के लिए बोला, वो तो प्रोटिस्टा है। अगर मेटाबॉलिज्म है, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म आ जाए तो आंसर मोनेरा जाएगा, ये एनसीईआरटी का वर्ड है। मोस्ट डाइवर्स मॉर्फोलॉजी बोले, हैबिटेट बोले, रहने की जगह, अलग अलग जगह पे कौन रह सकता है, वो फंगस जाएगा। ये अगली क्लास में हम लोग करेंगे, आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक हमारा विटेकर साहब थे, हमने विटेकर को फॉलो किया। चलिए अब हम लोग चले फोर्थ क्राइटेरिया, अब हम लोग क्राइटेरिया नंबर फोर्थ पे चलेंगे। फोर्थ क्राइटेरिया विटेकर ने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे ना तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमें क्या करना है, फोर्थ क्राइटेरिया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए ध्यान सुनिएगा और चीजों को समझिएगा, ठीक है। टाइम कितना बच रहा है हमारे पास, है हमारे पास, है कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट है सर अभी। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हाँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो इस दुनिया में दो ही तरह के रिप्रोडक्शन, ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट ने बोला, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट का जो ग्रुप है वो मानता है कि दुनिया में दो ही तरह के रिप्रोडक्शन है। कितने तरह के, दो तरह के, एक का नाम एसेक्सुअल, जो नाम आपने जरूर सुना है, और एक का नाम है सेक्सुअल। एक का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दुनिया में रिप्रोडक्शन केवल दो ही तरह के, बोले ठीक है सर हम तो वेजिटेटिव भी पढ़ते हैं, वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी तो हमें पढ़ाया गया 12th में, 11th में भी तो पढ़ाया गया था। तो मैंने क्या बोला, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो दो ही तरह के, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव को एसेक्सुअल का पार्ट ही मानते हैं, हालांकि अलग अलग जगह पे वेजिटेटिव को अलग पढ़ा दिया जाता है कि तीन तरह के होंगे, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव, लेकिन रियल में वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल का ही पार्ट है। कभी कभी हम आम भाषा में बोल देते वेजिटेटिव अलग, एसेक्सुअल अलग, लेकिन वेजिटेटिव भी एसेक्सुअल का ही पार्ट है। तो सर हम इंटरनेशनल लेवल का साइंटिस्ट बात कर रहे हो तो कुछ डिफिनेशन भी तो दिया होगा, हम किसे सेक्सुअल मान ले। हाँ उन्होंने बोला चार चीजें, कहीं भी अगर रिप्रोडक्शन में आपको गैमिट बनते हुए दिखे, किसी भी रिप्रोडक्शन में अगर गैमिट बनते हुए दिखे, कहीं अगर गैमिट बन रहा है, दूसरा गैमिट बनना केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, गैमिट का फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन होना भी जरूरी है। सर कोई ऑर्गेनिज्म गैमिट बना रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं किया तो सेक्सुअल नहीं मानिएगा, सर कैसे नहीं मानेंगे, गैमिट तो बना रहा है। ध्यान सुनिए, मेल हनी बी, याद करो आपने हनी बी में पढ़ा था कि जो क्वीन है वो एग ले करती है, एग यानी फीमेल गैमेट बनाई, ये फीमेल गैमेट कभी भी मेल से फर्टिलाइज नहीं करता था, डायरेक्टली वो मेल हनी बी में तैयार हो गया था। याद करो आपने रिप्रोडक्शन इन हनी बी पढ़ा था, मेल हैव नो फादर यानी उसका बाप नहीं है, बट दे हैव ग्रांड फादर, मेल हैव नो सन बट ग्रांड सन, याद आ रहा है आपको एनसीईआरटी का लाइन। तो वहां पर जो फीमेल क्वीन थी उसने अंडे लेकी, फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन में गया ही नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस से वो मेल हनी बी में कन्वर्ट हो गया बिना फर्टिलाइजेशन का, यानी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, क्योंकि गैमेट तो बना लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं किया ना। एनसीईआरटी का लाइन है फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 12th में, कि
कि गैमिट बने फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, फर्टिलाइजेशन करना जरूरी है और फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनेंगे और यहां पास मियोसिस होना जरूरी है। यानी जहां पर ये चार टर्म आपको दिख जाए, जहां पर ये चार टर्म दिख जाए, गैमिट बनने की बातें चले, फर्टिलाइजेशन की बातें चले, जायगोट की बातें चले, मियोसिस की बातें चले, तो आप सेक्सुअल मानिएगा। अरे हम ह्यूमन बींग पहले मियोसिस से गैमिट बनाते हैं ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, याद कीजिए पूरा ट्वेल्थ आपने पढ़ा है। पहले मियोसिस हुआ तो गैमिट बने, गैमिट फर्टिलाइजेशन भी करता है, फिर जायगोट बना। अगर ये चारों चीजें आपको दिख गई तो आप सेक्सुअल करके आइए। सर अगर चारों चीज नहीं दिखा तो चारों में एक भी एब्सेंट हो गया ना, एक भी एब्सेंट हो गया, ठीक है, एक भी एब्सेंट हो गया, सेक्सुअल नहीं होगा, ठीक है, चारों में एक भी एब्सेंट हो गया तो वो सेक्सुअल नहीं, किसमें मानिएगा, ए सेक्सुअल मानिएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है, ए सेक्सुअल का डिफिनेशन क्लियर हो गया। जहां पास ये चारों चीजों में एक भी एब्सेंट हो गए तो हम क्या मानेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए तो सर हमारे पास किंगडम कितने थे, ध्यान से सुनो, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ध्यान से सुनिएगा, मोनेरा तो ट्रू सेल है ही नहीं, वो तो प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस झूठे हैं, काहे का मियोसिस, मोनेरा किंगडम तो झूठा न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक है, तो ना मियोसिस होता है ना माइटोसिस होता है। मियोसिस अगर होगा ही नहीं तो कभी गैमेट्स बनेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, जायगोट बनेंगे नहीं, इसलिए एनसीईआरटी के वर्ड्स को पढ़िएगा। मोनेरा किंगडम में एनसीईआरटी ने लिखा है शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप एनसीईआरटी में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मोनेरा किंगडम में ब्लैक पॉइंट पढ़िएगा, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पीछे रह जाता है, शॉर्ट मतलब छूट जाना। मोनेरा किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते क्योंकि गैमेट्स नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मियोसिस नहीं होते। तो सर वेरिएशन कैसे आएगा, तो एनसीईआरटी का दूसरा वर्ड है, इनके अंदर में कुछ प्रिमिटिव यानी पुराने तरीके हैं, प्रिमिटिव मतलब पुराना, प्रिमिटिव टेक्निक है डीएनए ट्रांसफर करने के। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एनसीईआरटी ने बोला है इनमें डीएनए को ट्रांसफर करने के कुछ पुराने तरीके हैं, तभी तो वेरिएशन आएगा ना। ये बैक्टीरिया है, कभी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि इसमें नया डीएनए आएगा ही नहीं कभी। तो यहां पर कुछ टेक्निक है पुराने तरीके के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो यहां पास कुछ पुराने तरीके डीएनए ट्रांसफर करने के, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है। सर क्या है डीएनए ट्रांसफर, जब आपने पढ़ा हुआ क्लास 12 तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था ना, आर नाम का स्ट्रेन है वो एस में कन्वर्ट हो गया, उसके अंदर कोई डीएनए बाहर से आ गया, ये आर नाम का स्ट्रेन था येलो वाला, उसमें रेड वाला डीएनए आ गया तो उसके अंदर में बदलाव आ गया, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन था। इसी तरह से आप पढ़िएगा कॉन्जुगेशन, पढ़िएगा ट्रांसडक्शन, ये तीन तरीके हैं डीएनए के ट्रांसफर करने के, बैक्टीरिया में तीन तरीके हैं। एनसीईआरटी में डिटेलिंग नहीं है, एनसीईआरटी में डिटेलिंग नहीं, बायोटेक में आएगा, बायोटेक में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन आएंगे। तो मान के चलिए मोनेरा में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, यानी यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं लिख दूं एब्सेंट, एनसीईआरटी का वर्ड शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट मतलब पीछे रह गया, नहीं है। केवल कौन सा है, ए सेक्सुअल है, केवल कौन सा है, ए सेक्सुअल है। ए सेक्सुअल में कैसे करेगा, फेवरेबल है तो बाइनरी फ्यूजन, अनफेवरेबल कंडीशन है तो इन स्पोर फॉर्मेशन, हार्ड कवरिंग बना देगा, स्पोर बना देगा, ठीक है। फेवरेबल है बाइनरी फ्यूजन, कोई माइटोसिस नहीं है, सेल हीट अगर खराब है, न्यूक्लियस ही नहीं है तो काहे का सेल डिवीजन, काहे का माइटोसिस, काहे का मियोसिस, कोई सेल डिवीजन नहीं होता, कोई सेल साइकिल नहीं होते, वो तो यूकैरियोट्स में होते हैं, तो ना मियोसिस ना माइटोसिस। एक सिंपल तरीका है बाइनरी फ्यूजन, टूट जाता है सेल बीच से, और अनफेवरेबल में स्पोर फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब आया प्रोटिस्टा,
सेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल भी होंगे दोनों, फंजाई एसेक्सुअल सेक्सुअल बोध, प्लांटी एसेक्सुअल सेक्सुअल बोध, एनिमेलिया एसेक्सुअल सेक्सुअल बोध। तो नीट में क्वेश्चन बहुत अच्छा बना था और एनसीईआरटी में ये वर्ड दे रखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रोटिस्टा किंगडम में पहली बार किस किंगडम में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे गए? देखिए, पहली बार ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किंगडम में देखे गए, एनसीईआरटी में लिखा है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम आज जाके पढ़िएगा तो फर्स्ट टाइम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा किंगडम। क्लियर है? क्योंकि मोनेरा में तो था ही नहीं, मोनेरा में तो था ही नहीं, वह तो एसेक्सुअल थे। और पहली बार सेक्सुअल की शुरुआत होती है प्रोटिस्टा में। फिर सारे किंगडम पढ़िए, फंजाई पढ़िए सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ, प्लांटी सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ, एनिमेलिया सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ, सभी देखे जाएंगे। क्या यह बातें समझ में आ गई? क्या ये चीजें रिप्रोडक्शन सभी को क्लियर है? यस या नो में लिखो, यस या नो में लिखिए फटाफट मैसेज में, ठीक है? और टाइम का मैं 2 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं, 2 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं, ठीक है? लास्ट क्राइटेरिया था विटेकर साहब का, फिफ्थ क्राइटेरिया था, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी सर ये क्या होता है? हम एनसीईआरटी में पढ़ते तो सर समझ में नहीं आता, होता क्या है सर? हम अगले क्लास पूरा डिटेल करने वाले, और इसको जिसने पढ़ लिया 5 किंगडम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा, यहां से सॉल्व हो। सेकेंड मोस्ट डाइवर्स, ठीक है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, कौन होगा? मोस्ट डाइवर्स कौन है, सेकेंड मोस्ट डाइवर्स कौन है, कहां पर सेल वॉल होंगे नहीं होंगे, सारा चीज ये बताएगा। कर होता क्या है सर? ये बताता है इवोल्यूशन को, यानी इवोल्यूशन में सबसे पहले किंगडम कौन सा आया, बाद में कौन आया। सभी साइंटिस्ट का मानना था कि सबसे पहले मोनेरा आया, उसके बाद प्रोटिस्टा है, उसके बाद माना जाता है कि प्लांटी आया, फंजाई आए और एनिमेलिया आए। कुछ साइंटिस्ट का बोलना नहीं नहीं पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। ये 200 सालों तक झगड़ा चलते रहा, 200 सालों तक झगड़ा चलते रहा कि कौन किंगडम पहले आया, कौन बाद में आया। विटेकर ने बोला सबको ही गलत हो, तुम्हारा सब थ्योरी गलत है, मेरा थ्योरी सही। बोले सर कैसे? उन्होंने बोला पहले आया मोनेरा, फिर आया प्रोटिस्टा। बोले हमने भी तो यही बोला है। बोले अब रुको, इसी प्रोटिस्टा से एक साथ 3 किंगडम ओरिजिनेट हो गए, इसी प्रोटिस्टा से एक साथ फंजाई किंगडम की शुरुआत हुई, प्लांटी की शुरुआत हुई और एनिमेलिया की शुरुआत हुई। तो जहां साइंटिस्ट मानते थे कि पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, फिर फंजाई, एनिमेलिया, ऐसा कुछ भी नहीं, पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से ही 3 किंगडम का जन्म हो जाएगा, यानी यही इवोल्यूशन को दर्शाएगा, जो अगले क्लास में हम डिटेलिंग करने वाले। हम लोग अगले क्लास में इस पूरे टॉपिक को डिटेल करेंगे, तो 5 किंगडम से कभी भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा, सेकेंड मोस्ट डाइवर्स मोनेरा, मोस्ट डाइवर्स मेटाबोलिज्म, ये तो एनसीईआरटी का वर्ड है मोनेरा, मोस्ट डाइवर्स हैबिटेट फंजाई, ये अगले क्लास का हमारा टॉपिक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारे स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग यहां तक समझ में आ गया, फटाफट बोलो यहां तक सभी को क्लियर है? यस नो, ठीक है? क्योंकि टाइम का मैं अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग पूरा डिटेलिंग करेंगे फाइलोजेनेटिक के, और 3 डोमेन भी पढ़ेंगे, यानी 5 किंगडम में भी कुछ खराबियां थी, 6th किंगडम क्यों बनाया गया। एनसीईआरटी में वर्ड है, हायर क्लास में पढ़िएगा, यानी ग्रेजुएशन में, तो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 5 मिनट्स पढ़ेंगे 3 डोमेन के बारे में, 6 किंगडम के बारे में हो जाएगा। आगे बात समझ में, एक बार हैंड रेस कर दो, मैं लीव आउट हूं ना फटाफट, ठीक है? सबको समझ में आ गया? चले ठीक है। आप लोग सब स्टूडेंट्स ना ये फीडबैक और अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना इमीडिएटली 20 क्लास के बाद ही, बेटर रहता है मैं अटेंडेंस को। हाँ ठीक है सर, मुझे आप होस्ट बना दे। अच्छा आपको होस्ट बना देता हूँ।